सो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो लास्ट टाइम मेरे को एक फ्रेंड की जो है रिक्वेस्ट आई थी कि सर गोंद तीरा को बता दो आप कैसे जो है उसको यूज़ करते हैं। तो अभी मेरे हाथ में देखोगे क्रिस्टल है गोंद तीरा का, ये ऐसा होता है। तो ये मेरे पास लास्ट था, इसलिए मैंने अब नया पैकेट मंगाया। वो इस गर्मियों में जो होता है ये बेसिकली जो है आपके शरीर को जो है ठंडा करता है। ठंडा करने का मतलब ये है कि अब जैसे कि इसको आप ये एक पेड़ होता है बबूल का, उसका बाय प्रोडक्ट होता है, उसके जो सैप होती है, सैप में जो रस पेड़ को जो काटते हैं उसके अंदर आप देखोगे वाइट वाइट सा सैप निकलता है। तो ये सैप जो है टाइम के साथ साथ जो है एक हार्ड सब्सटेंस होता है जो कि बाद में इस तरह का लुक लेता है। तो इसको बनाने के लिए आप अगर आप किसी शिकंजी वाले के पास, अगर ठेले वाले के पास जाओगे तो वो आपको जो है ये पैकेट आपको जो है पैकेट मीन्स वो थोड़ा सा देगा आपको, उससे आपको लगेगा 20 रुपये। तो ये एक्चुअली में होता क्या है, इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और जो है फूल जाते हैं। मैं बताऊँगा मैं कैसे हो जाते हैं। तो उसको आज हम बताते हैं कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो उसके लिए लाइक मैंने ये डिस्पोजल ग्लास लिया ताकि आपको उसमें दिख जाए। तो क्रिस्टल को पहले जो है आप पहले ना डालें, सोच करूँगा आप पहले पानी डाल लें इसमें। तो पानी डालने के लिए मैं इसको मान पानी से फिल कर देता हूँ, थोड़ा सा फिल करूँगा जितने कि मेरे क्रिस्टल जो है आ जाए लाइक। तो इसको मैं इतना फिल करता हूँ। तो मैं पूरा दिन ये पीता हूँ, मीन्स 4 गिलास बना लेता हूँ मैं। तो उसमें जो है अप्रॉक्सीमेटली कितने, तो मैं इसमें अप्रॉक्सीमेट अपने हिसाब से लाइक कि क्रिस्टल आप इतना दिख रहा है, बट ये जब पानी अब्जॉर्व करेगा तो आप यकीन ना करोगे जो जेली इसकी फॉर्म होती है मैं बताऊँगा। वो चार चार तो नहीं, इसके अप्रॉक्सीमेट 2 चम्मच की जेली फॉर्म हो गई है। तो मैं इसको अगर 2 टाइम में लेता हूँ तो मुझे अप्रॉक्सीमेट जो है 8 चम्मच रहेंगे। तो मैं इसको डाल देता हूँ। अगर आप पहले पानी पानी डाल लेंगे उसमें डालेंगे तो ये जो नीचे इसका सरफेस है वहाँ पे चिपकेगा नहीं। तो ये मैंने एक डाल दिया। ये इसको ओवर द नाइट होता है ये स्वेल होगा, तो आपको मैं कल दिखाऊंगा कि ये फूलने के बाद कैसे दिखता है। तो इसमें मैं 4 क्रिस्टल डाल देता हूँ फिलहाल। तो अपने हिसाब से ज़्यादा बड़ा मैं डालूँगा तो आपको बता देता हूँ। ये मैंने इतना सा डाला, ये 2। तो मैं इसमें ज़्यादा बड़ा डालूंगा। अगर आप इतना बड़ा ले रहे हैं तो या मानोगे नहीं, आपको 4 चम्मच दे देगा आपकी जली जो फॉर्म होगी। तो इसको मैं नहीं डालूंगा, तो मैं इसके लिए 2 छोटे और डाल दूंगा। इतना डाला मैंने, ये हो गया 3। और ये जो है जितनी गर्मी है जैसे बाहर आपको टेम्परेचर इतना से डालूँ तो ये हो गया 4 क्रिस्टल। तो ये 4 क्रिस्टल फॉर्म हो गए। अब मैं इसको रखता हूँ साइड में। अब सुबह देखेंगे हम इसकी जो है कितनी जली फॉर्म हो गई है। तो मुझे देखो ऐसा कि जली इनकी मैं गारंटी देता हूँ कि ये पूरे ऊपर सरफेस तक आ जाएगी, इतने फूलेंगे। और उसके बाद अगर मैं इसमें और पानी डालूंगा, फिलहाल इसमें अभी मैं और पानी डाल देता हूँ, तो ये पूरे ऊपर सरफेस तक आएंगे। ठीक है, तो मैं इसमें इतना पानी डालता हूँ। तो बाद में इसको यूज़ करने का तरीका बताऊँगा। अगर आपके पास लाइक सिकंजी भी या आपके पास कुछ ऐसा नहीं है तो आप इसको कैसे यूज़ करेंगे, तो मैं आपको बाद में इसके पैकेट का बताऊँगा मैं कैसे यूज़ करना है। तो इस पैकेट की बात करते हैं अगर हम, तो ये 100 ग्राम का पैकेट है और मुझे पड़ा 30 रुपीज़ का। तो गाइस आप मानोगे नहीं, 30 रुपीज़ का अगर आपके दिन के जो है मोटे मोटे अगर 4 क्रिस्टल भी लेके चलते हो तो 4 आराम से आपके जो पूरा दिन निकाल देंगे आराम से। तो ये पूरा आपका अप्रॉक्सीमेट 25 डेज़, 24 या 25 के अप्रॉक्सीमेट चलेंगे ये क्रिस्टल्स। तो ये 100 ग्राम का पैकेट है और ये मुझे पड़ा था 30 रुपीज़ का होलसेल में। ठीक है, तो ये आपको किसी भी किराने की दुकान में मिल जाएगा आराम से। तो रेट वेरी कर सकते हैं डिपेंड अपॉन लोकेशन। तो बाकी मैं इसका कल आपको, अभी मैंने नाइट में डाला तो मैं सुबह आपको बताऊँगा इसके कितने भी इससे क्रिस्टल जो है स्वेल हो चुके हैं। तो फिर बाद में इसके आपको मेकिंग बताऊँगा। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अब सुबह के 7 बज रहे हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में जैसे ही कंटिन्यू करा था उसी के पार्ट में डाला हुआ मैंने ये। तो आपको मैंने बताया कि 4 उसमें वो डाले थे मैंने सिर्फ क्रिस्टल्स। और अगर आप देखोगे, आप इसका रिजल्ट में देखोगे, आप जितना ग्लास मैंने भरा था उससे थोड़ा सा कम पानी रह गया, बिकॉज जो हो सकता है कि पानी थोड़ा सा उन्होंने अब्जॉर्व कर लिया होगा। और इनका स्ट्रक्चर जो रहता है वैसा रहता है जली की तरह, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। अब इसमें जो है आपको ये कैसे यूज़ करना है, किसके साथ ही बेस्ट, बिकॉज अगर आप ऐसे इसको खाओगे तो आप ज़्यादा नहीं खा पाओगे, हार्डली 1 या 2 स्पून खा पाओगे। तो ये जो है बाकी का आप कैसे खाओगे, ठीक है। तो उसके लिए जो आपको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको बेस्ट यूज़ करना है, या आप इसको जल्दी रह यूज़ कर सकते हो या लस्सी के साथ कर सकते हो। तो दोनों का अलग अलग जो है टेक्स्चर रहता है, तो सबसे बेस्ट कौन सा रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो में शायद 1 या 2 दिन में वो भी अपलोड कर दूंगा, बिकॉज मेरे पास बाकी मटीरियल नहीं है। तो फिलहाल ये इसका जो टेक्स्चर है, ठीक है, 4 क्रिस्टल का इतना सा बना, और ये आपका हार्डली अगर 2-2 बार डालो आप तो 4 टाइम निकाल देगा आराम से। 2-2 बार बोले तो अगर इतना आप डालते हो तो फिर हार्डली 2 टाइम्स जो है चल जाएगा ये। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।